भाई अगर आप भी ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना सीख रहे हो, आपको ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं आती, मैनुअल चलानी आती है, ऑटोमेटिक से डर लगता है, तो गाड़ी कैसे चला सकते हो ऑटोमेटिक, मैं आपको आज बता देता हूँ। जैसे मेरे पास अभी जो गाड़ी है वो होंडा सिटी है और ये CVT ट्रांसमिशन के साथ आती है ऑटोमेटिक में। तो इसमें आपको क्या चीज़ मिलती है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दो तरह के पैडल मिलते हैं आपको, एक एक्सेलेरेशन के लिए ए पैडल एक्सेलेरेशन के लिए, एंड सेकेंड इज ब्रेक, ये ब्रेक के लिए है। और ये जो पैडल है ये आप देख सकते हो डेड पैडल है, यहाँ पे जस्ट आपको पैर रखना है, इसका कोई काम नहीं है। लेफ्ट पैर आपका बिल्कुल डेड हो चुका है एक तरीके से, आपका इसका कोई यूज़ नहीं है गाड़ी में। एंड इससे ब्रेक प्रेस करनी है राइट पैर से, राइट पैर से ही आपको एक्सीलरेशन करनी है। तो जब आप ब्रेक प्रेस करोगे, ब्रेक प्रेस करने के बाद आपको गाड़ी में जो है पुश बटन या की स्टार्ट जो भी रहेगी आपकी गाड़ी, आप अभी तो नॉर्मल पुश बटन ही आती है, तो आप पुश बटन स्टार्ट जैसे ही करोगे गाड़ी जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी।